हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आपको भूतिया फिल्म के मशहूर हीरो हेमंत बिरजा याद हैं? क्या आप जानते हैं कि इतने बेहतरीन अभिनेता का करियर कैसे तबाह हो गया? एक समय तो ऐसा भी था जब उनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तक करनी पड़ी थी। आइए जानें वो अब कहाँ है और किस हाल में जी रहे हैं। 80 का दशक, एक अभिनेता अचानक से सुर्खियों में आया था। नाम था हेमंत बिरजे। लंबा चौड़ा कद और सदा हुआ चेहरा, हर वो खूबी जो एक हीरो में होनी चाहिए। 19 अगस्त 1965 के दिन मैसूर में जन्मे हेमंत बिरजे एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। कम ही लोगों को पता होगा कि हेमंत ने तो कभी फिल्मों में आने का सपना ही नहीं देखा था। उनके पिता अनंत बिरजे चाहते थे कि बेटा सेना में जाए, इसी वजह से उन्होंने हेमंत का दाखिला पुणे के सेंट्रल आर्मी स्कूल में करवा दिया था। मगर उनकी किस्मत उन्हें बॉलीवुड में लेकर आ गई। हुआ ये कि हेमंत जब 18 साल के थे, तब काम की तलाश में वो मुंबई आ गए थे। यहाँ जब काम नहीं मिला तो वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करते थे। एक बार की बात है, जिस बिल्डिंग में वो गार्ड थे वहां से डायरेक्टर बब्बर सुभाष गुजर रहे थे। वो अपनी नई फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन के लिए एक मजबूत सा दिखने वाला नया चेहरा तलाश रहे थे। अचानक उनकी नजर हेमंत बिरजे पर पड़ी। हट्टे कट्टे हेमंत पहली ही नजर में बब्बर सुभाष को पसंद आ गए। उन्होंने अगले ही दिन उन्हें अपने ऑफिस में बुला लिया। डायरेक्टर ने कुछ महीनों तक उनको ट्रेनिंग करवाई और फिर हेमंत को साल 1985 में आई फिल्म में टार्जन का किरदार मिल गया और यहीं से वो बॉलीवुड में पहुंच गए। वैसे हेमंत बिरजे को असली पहचान रामसे ब्रदर्स की भूतिया फिल्मों से मिली थी। मजबूत कद काठी वाले अभिनेता अकेले ही शैतान से लड़ते हुए नजर आते तो दर्शक तालियां जरूर बजाते थे। तहखाना, वीराना, जाग उठा शैतान और कब्रिस्तान जैसी फिल्मों ने हेमंत को उस दौर के सबसे सफल अभिनेताओं की कतार में खड़ा कर दिया था। मगर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हेमंत बिरजे का करियर बर्बाद हो गया और वो गुमनाम हो गए? असल में उनसे एक बड़ी गलती होती रही जिसने उनका करियर तबाह कर दिया। हेमंत बिरजे फिल्मों में एक जैसे ही रोल करते जा रहे थे। भूतिया फिल्मों के हीरो का ठप्पा भी ना चाहते हुए उन पर लग चुका था। हॉरर फिल्मों का दौर कम हुआ तो हेमंत को फिल्में मिलनी भी कम हो गई। सफलता के नशे में अभिनेता फिल्में चुनने में भी भूल करते गए। इसके बाद उनकी कुछ फिल्में आईं, मगर एक जैसी फिल्में और एक जैसे किरदार की वजह से दर्शकों ने उनको नापसंद करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक फ्लॉप होती फिल्मों को देखते हुए डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी उनसे किनारा करते गए। बस इसी वजह से 80-90 के दशक का सुपरहिट अभिनेता बर्बाद हो गया। हेमंत बिरजे ने रेशमा नाम की लड़की से शादी की थी। दोनों के दो बच्चे हुए, एक बेटा बॉबी जो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में नौकरी करता है, वही बेटी सोनिया जो मॉडलिंग करती है। इसके बाद भी हेमंत की जिंदगी तंगी में गुजर रही है। साल 2016 में तो उनके पास घर का किराया देने तक के पैसे नहीं थे, जिस वजह से मकान मालिक ने उनको घर से निकाल दिया था। साल 2012 में उनकी पत्नी रेशमा भी हेमंत के खिलाफ थाने पहुंच गई थी। पत्नी का आरोप था कि उनके पति ने शराब पीकर बेटी और उनको पीटा था। बड़ी मुश्किल से वो मामला निपटाया गया था। हेमंत अब भी मुंबई में ही रहते हैं, मगर गुमनामी और आर्थिक तंगी में जीवन गुजार रहे हैं। दोस्तों, आपको हेमंत बिरजे की कौन सी फिल्म या किरदार याद है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।